बड़े सभ्य घरों में हम देखते हैं वहां इस बात की चिंता तो की जाती है कि सुबह पुष्प चाहिए, अर्घ चाहिए भगवान के लिए, ठाकुर की सेवा पूजा के लिए सामग्री भोर में चाहिए। कई सवेरे आंख खुलते ही अपनी कॉफी की और मॉर्निंग टी की चिंता करने लगते हैं। सवेरे उठते ही किसी को प्लानिंग चल रही है टी, मॉर्निंग टी। अरे वो लोग कितने महाराज, उनको क्या बोले, कोई कहता है बैड टी। लेकिन हमने तो साधकों के घरों में एक नई बात भी देखी है कि पुष्पों का चयन है, शमी का, विजया का, धतूर का, बिल्व पत्र का, तुलसी पत्र का, अभिषेक के जल का भोर में, और अभ्रत स्नान। स्नान भी कई तरीके का होता है, उपचार के लिए, सेवा के लिए, अनुष्ठान के लिए, स्नान के लिए स्नान। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गंगा में स्नान जरूर करता हूं लेकिन स्नान करके जाता हूं गंगा स्नान करने के लिए। किसी को ये पता ही नहीं है कि स्नान के बाद ही गंगा स्नान किया जा सकता है। लोग धर्मशालाओं में ठहरे हैं, रजाई एक और रखी और ऐसे ही मलिन अवस्था में हर हर गंगे, हर हर गंगे। अरे भैया बाबराय, कम से कम स्नान करके तो गंगा तक पहुंच। कुछ लोग कहते हैं नहाना है तो एक ही बार नहाएंगे, वहीं नहाएंगे। ना 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 ना, ये दोष है, ऐसा ना करना। सरोवर में स्नान हो, गंगा का स्नान हो, पुण्य सलिलाओं का स्नान हो, जलाशय में स्नान हो, हां कूप में स्नान, कूप के पास अगर जा रहे हैं, कूप कहते हैं कुएं को, तो कुएं के पास जाकर बिना नहाए जा सकते हो। आप में से किसी ने कुएं पर स्नान किया हो तो कुएं में से जल निकाल कर, कुएं में से जल निकाल कर नहाया जा सकता है, अन्यथा तो जलाशय में, सरोवर में और सलिलाओं के पास, सागर के पास भी। गंगा सागर, सागर का भी स्नान बताया, सरोवर का स्नान, जलाशय का स्नान, पुण्य सलिलाओं का स्नान, गंगा का स्नान। गंगा का स्नान तो मूसलवत होता है, धनकुटे की तरह से, ऐसे तीन बार, फिर 11 बार, फिर 16 डुबकी लगाई जाती है, धनकुटे की तरह से, मूसल की तरह से। गंगा का स्नान मूसलवत है, नॉट स्विमिंग, केवल थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, स्विम कर ले नहीं। इसलिए ललिता के सम्मान में, सीता के आदर के लिए कमल पराग बिछाइए, सहस्त्र दीप दिन में उनके लिए मंगल कलश भर लिए गए, चौक पूर दिए गए, वंदन वार लगाए गए, तोरण द्वार लगाए गए, ब्रह्मा आदि अपने को रोक नहीं पाए। ब्रह्मा ने कहा कोई मुझे संकोच नहीं है। ब्रह्मा ब्राह्मणों के झुंड में खड़े होकर स्वस्ति वाचन करने लगे। जैसे ही सीता जी ने पालकी में से पहला पैर रखा अयोध्या के आंगन में, बस उन्होंने पैर रखा ही है अपना बायां पैर, फिर दूसरा पैर, ऐसे सीता जी 4 कदम चली, खुशा को लगा कि थक गई शायद सुकुमारी। आपको सुनकर आनंद होगा, आश्चर्य होगा, अभी 4 कदम चली हैं सीता जी, कौशल्या को लगा कि मेरी बहुरानी थक गई होगी, तुरंत गोद में उठा लिया उनको। अब बहू से बोले क्या, अब वो थकी तो है नहीं, वो तो विस्मित हैं, चकित हैं, आनंदित हैं,
उनके मन की बात हो गई। कमलासन आए, कमल पे बैठती हैं, कमल की गंध उन्हें प्रिय है। उन्होंने कहा धन्य है ये अयोध्यावासी, हमारे अनुकूल इत्र बिछाया है इन्होंने, हमारे अनुकूल गंध हमें मिल गई है। तो लक्ष्मी जी को अपने अनुकूल गंध, अपने अनुकूल परिवेश देखकर आह्लादित है मां। और कौशल्या ने कहा ना मेरी बहू थक गई, गोद में उठा लिया, अब तो होड़ लग गई। केके को लगा के अब कर क्या रही हैं ये, बुढ़ापे में बहू गोद में उठा ली इन्होंने, ये थक जाएंगी, उतारो उतारो। फिर केके ने गोद में ले ली, थोड़ा वो लेकर चली तो सुमित्रा ने कहा कि आपको सब नहीं आता है करना, छोड़ दो हम लेंगे इन्हें। अब सीता जी संकोच में है, वो कहती है आप ऐसा न करें, मैं आनंद में हूं, आपसे बस यही कहना था, बहु आए तो पलकों पे बिछाओ, गोद में उठा लो उसे, उसे पराया मत समझो, वो कुल दीपक देने आई है, वंश विस्तार करने आई है, भव तारका है वो, कुल तारका है, घर का उजियार है, घर का प्रकाश है, वो घर का भार उतारने आ गई बहू भाई, आदर करिए। बहू नहीं आई है, बहू के बहाने घर में लक्ष्मी आई है। कौन कहता है घर में बहू आ रही है, बहू नहीं आई है, बहू के बहाने से आपके घर में अन्नपूर्णा आई है, लक्ष्मी आई है, इससे कम मत समझना, घाटे में रहोगे। और अगर आप बुद्धिमान है तो घाटे में नहीं रहेंगे, मैं जानता हूं। बहू को लक्ष्मी मानो, अन्नपूर्णा मानो, आदर करिए, उस पर विश्वास कीजिए, और आप निवेश करें, आप पहल करें, आप विश्वास कीजिए पहले, आप उस पर विश्वास करें, पहले आप विश्वास करें, आप पहले आदर दें, आप जो करेंगे वही वो करेगी। आपका अगर विश्वास पहले उसके मन तक पहुंचाए तो उसमें विश्वास जग जाएगा, और आपके मन में अविश्वास है तो उसमें भी अविश्वास पैदा होगा। आपके मन में दुराव है, लुकाव है, छिपाव है, उसके मन में भी होगा। आसन पर बिठा दिया गया सुंदर से आसन पर, फिर दूसरी बहू को भी, मांडवी को, फिर तीसरी बहू उर्मिला, और चौथी श्रुतकीर्ति। सुंदर से आसन, शुभ शगुन नेगाचार होने लगे, मंगलाचरण होने लगा। दशरथ जी से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा है तो रानियों का काम, पर हमसे तो नहीं रहा जा रहा है, हम तो बहुओं के दर्शन करने चलेंगे। अब दशरथ को लगा कि ये ऐसा उचित तो नहीं है, रनिवास में अनायास हमारा जाना, तो सुमंत्र को भी साथ में ले लिया। फिर उन्हें ऐसा लगा कि सुमंत्र से बात नहीं बनेगी, एक बड़ा सा काम कर लेते हैं, हिम्मत करके गुरुदेव के चरणों में शीश झुकाया और कहले गुरुदेव बहुओं को आशीर्वाद ही दे दे। वशिष्ठ भी साथ, सुमंत्र, और जब गुरुदेव वशिष्ठ का आगमन हो रहा है ये सुना सबने, और राजा आ रहे हैं, तो बहुएं बिचारी खड़ी हो गई, अच्छी भली सिंहासन पर बैठी थी, बहुएं खड़ी हो गई प्रणाम करने के लिए। अब दशरथ जी को कोई बहाना तो मिला नहीं बात करने का, उन्हें तो दर्शन करने थे सीता जी के, अपने बहू के दर्शन के लिए, उन्हें पता ही था लक्ष्मी है, लक्ष्मी का दर्शन ही कर ले। अब चार कुमार खड़े हैं और चारों कुमारियां, राम भरत लखन रिपुदमन, सीए मांडवी उर्मिला स्तुति कीरत बर वाम, चार सुमन चार उरतन तुलसी करत प्रणाम।